Hey, how's it going everyone? My name is Madhip और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हेमलैंड्स के वर्ल्ड में। So guys, पिछले एपिसोड में मैंने इस किंग के दिए हुए सारे के सारे टास्क को फाइनली कंप्लीट कर लिया था एंड उन सभी टास्क में जो सबसे मेजर टास्क था वो था इस किंग के किंगडम के जितने भी विलेजर्स थे वो सारे के सारे होगलाला ने कैप्चर कर दिए थे एक जगह पे, तो उन सभी के सभी को सेफली बचाकर इसके पास लेकर आना। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी उन सारे के सारे विलेजर्स को गाइस कन्विंस करने के लिए कि मैं एक्चुअली इस किंग की तरफ से आया हूं। एंड जब वो गाइस फाइनली माने तो उन लोगों को मैंने सिखाया कोऑर्डिनेशन पे खड़ा होना, एग्जैक्टली मुझे कॉपी करना कि मैं जिस तरीके से चल रहा हूं, जिस तरीके से पार्कोर कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पीछे होगलाला की गैंग पूरी पूरी पड़ने वाली है उनको बचाने के लिए। बहुत ही तगड़े वाला एडवेंचर हुआ उनको बचाते बचाते। एंड फाइनली जब वो बचे तो किंग ने जो वादा किया था उनको बचाने के बदले जो है मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, इसने मुझे फाइनली इन्फॉर्मेशन दे दिया जो कि होगलाला एंड हुलालाला द एंटिटीज को कैप्चर करने की। इसने मुझे बताया गया कि उनको हम लोग मार सकते सिर्फ डार्क हेमलैंड्स के अंदर, जो हमारे इसी वर्ल्ड का एक कॉपी वर्जन है लेकिन डार्क वर्जन है, जहां पर हम लोग मरने के बाद पैदा होते हैं और यू कैन से रिस्पॉन होते हैं, जहां पर मेरे दो दोस्त एसजीओ एंड मिस्टर फलाना जी फंसे हुए हैं। अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग होगलाला एंड हुलालाला द एंटिटीज को कैप्चर कर सकते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। बट उससे पहले इस वीडियो का लाइक एम सेट कर लेते हैं जो कि पूरे के पूरे 400,000 लाइक का गाइस अगर टच हो गए 400,000 लाइक्स तो मजा आ जाएगा यार। चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब है चैनल पर जो मुझे डेली बेसिस पे देखते हैं एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। तो गाइस तुम लोग याद करो इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर जब हम लोगों ने गलती से होगलाला के भाई को उस प्रिजन के अंदर से बाहर निकाल दिया था, तो वो प्रिजन किस चीज की बनी हुई थी? वो प्रिजन बनी हुई थी गाइस पूरी की पूरी क्राइंग ऑब्सीडियन की। लाइक लिटरली मेरे दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आई कि वो बंदा ऑलरेडी क्राइंग ऑब्सीडियन की प्रिजन के अंदर कैप्चर्ड है। तो किंग ने मेरे को बताया गाइस कि अगर हम लोग यहाँ पे होगलाला एंड हुलालाला के सामने क्राइंग ऑब्सीडियन को रख देते हैं ना, तो भाई साहब वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड अगर हम लोग उनको क्राइंग ऑब्सीडियन के ऊपर खड़ा करवा देंगे ना गाइस, तो वो लोग जलना स्टार्ट कर जाते हैं एंड वो कंटिन्यूसली जलते रहेंगे एंड धीरे धीरे करते करते वो लोग मर जाएंगे। तो ये एक बहुत ही तगड़े वाला प्लान है जो मेरे को भाई साहब ने बताया। थैंक यू सो मच ब्रो मेरी मदद करने के लिए और अब मैं जा रहा हूँ अपने इस हेमलैंड्स के वर्ल्ड को इन दो दरिंदों से आजाद करने के लिए। लिटरली बोल रहा हूँ गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए मैं। तो आज गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। और अब यहाँ से नीचे आने का क्या तुम लोग का हमारा तरीका याद है? स्लो फॉलिंग का पोशन मारा एंड सीधा ही छलांग मारकर हवा में उड़ते उड़ते नीचे जाएंगे। ये वाला पार्ट मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आता है भाई इस चीज में, सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को। एंड गाइस मुझे ना एक और बात बताई किंग ने अभी, अगर देखो मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे ना इनको क्राइंग ऑब्सीडियन के ऊपर खड़ा कर देंगे तो ये लोग जलना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके मर जाते हैं। लेकिन मुझे किंग ने क्या बताया गाइस कि अगर मान के चलो ये लोग मर गए ना, तो लिटरली स्पीकिंग जो इनके पिताजी है ना, जो डार्क हेमलैंड्स के अंदर जो वो अल्टीमेट एंटिटी है, जो इनका किंग है, जो बेसिकली डार्क पंपकिन के तौर पे ना हमारे ड्रीम बॉय को लाइक याद होगा तुम लोगों को, उसको वो कर रहा था क्या बोलते हैं कंट्रोल कर रहा था डार्क हेमलैंड से यहाँ पे। तो इसने मेरे को बताया कि अगर ये दोनों मर जाते हैं ना भाई, तो भाई साहब वो जो अल्टीमेट एंटिटी है ना, वो लिटरली डार्क हेमलैंड से हमारे इस हेमलैंड में आ जाएगी गुस्से के मारे और भाई हम लोगों को ठोक देगी पूरे तरीके से। तो उसने मेरे को बोला कि भाई कुछ भी हो जाए इन दोनों को मारना नहीं है, बस जुगाड़ करके जेल के अंदर कैप्चर करना है, मेक श्योर करना है कि लोग मरे ना एंड लाइफ टाइम के लिए लोग वहां पर कैप्चर हो जाए, दैट्स इट। ये हमारा प्लान होने वाला है अभी। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट ड्रीम बॉय को ढूंढने वाला भाई, बट आई हैव नो आइडिया कि सब ड्रीम बॉय कहाँ पर है यार। मैं उसको ढूंढता हूँ गाइस फटाफट जरा एक बारी एंड उससे मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ एंड यहाँ पर होगा लाला एंड हुलालाला को कैप्चर करने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ब्रो हमारे कमांडर और विजर्ड भी नहीं है यहाँ पे, आर यू सीरियस? वो दोनों बंदे कहाँ गए? ब्रो वो तो हमेशा यहाँ पर खड़े होते हैं, हमेशा, एवरी सिंगल टाइम, दिस इज सो वियर्ड। अरे ड्रीम, अरे फाइनली भाई कहाँ हो आप? हेलो स्मार्टी भाई, स्मार्टी यार, सीरियसली आपकी आवाज ही नहीं आती मेरे को तो भाई, मैं तो हैरान हूँ भाई, परेशान हूँ भाई मैं इस चीज के लिए। वही कर्स लग गया था हमको, आपको पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ है? क्या मतलब मैं उस वाली जगह दोबारा गया ना, मैं वहीं पे ही वो जो नेदर फोर्ट्रेस वाली जो जा रहे हो भाई वहाँ पे, आप मुझे लेके गए थे ना इससे पहले मेरे को एक ऐसी जगह पे लेके गया था ड्रीम बॉय, जहाँ पर ड्रीम बॉय को कुछ एक लाइक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग टाइप दिखी, किसकी क्या क्या चीज थी, वो डार्क पंपकिन की। बंदा बोले कि वहाँ पर बहुत सारे डार्क पंपकिन थे और ये मुझे वहाँ पर लेकर गया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं दिखा। ब्रो जब मैं दोबारा गया तो मेरे को सेम टू सेम वहीं पे मिला है और वहाँ पे पंपकिन भी थे। हम लोग लिटरली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करे, आपको पता मुझे किंग ने ना पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है होगलाला एंड हुलालाला को कैप्चर करने की। लिटरली अब भी कर सकते हैं हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में यार वहाँ पर। ब्रदर टाइम वेस्ट नहीं, देखो कैप्चर करने की बात आपकी ठीक है, बट ये कोई मेरे को लग रहा है बहुत डेंजरस काम है, इसके ऊपर से अगर हम पर्दा उठा सकते हैं तो क्यों ना उठाएं? अब चलो ना मेरे साथ। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे ड्रीम में हम लोग यार, यहाँ पे देखो सीन हो चुका है ब्रू, विजर्ड और कमांडर भी गायब है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है लिटरली वो लोग किसी तगड़े वाली मुसीबत में फंस चुके हैं भाई।
जब मैं वापस आया था ना, मेरे को भी नहीं दिखे थे वो दोनों कमांडर और विज़र्ड। हाँ, कितनी देर से गायब हो यहाँ पे, है ना भाई? सुनो, चलते यार होगलाला वगैरह को कैप्चर करने, हम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे नहीं ब्रो, आप वहाँ पे चलो जहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हुई है। मेरे को लग रहा है वहाँ फैक्ट्री बनाई उन्होंने डार्क पंपकिन मैन्युफैक्चर करने की, फैक्ट्री। वहां पे मैंने दो क्लोन्स देखे एसजीओ भाई के, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई। मेरे को मोटा ही सीन लग रहा है, आप मेरे साथ चलो अभी, क्योंकि वो लोग वहां पे थाउजेंड्स ऑफ नंबर में पंपकिंस बना रहे हैं, डार्क पंपकिन। कैप्चर तो हम बाद में भी कर लेंगे, बट ये भाई बहुत बड़ा राज है जिसके ऊपर से हम पर्दा उठा सकते हैं। अब जल्दी चलो मेरे साथ भाई। अगर एक्चुअली वो लोग हजारों की तादाद में डार्क पंपकिन बना रहे हैं ना, तो फिर तो दिक्कत की बात है भाई, है ना? कुछ ना कुछ मतलब ब्रो, मतलब इसका मतलब ये है भाई कि जो अपना होगलाला वगैरह इन लोगों के दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रही है। आई मीन 10,000 बंदे तो बनाने वाले हैं, पर डार्क पंपकिन क्यों ले रहे भाई? ये है सबसे बड़ी बात। आप ये चीज सोचो कि वो एक पंपकिन मेरे ऊपर चढ़ा, मेरी क्या हालत हो गई, और यहाँ वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा होंगे। ओ, अपनी आर्मी के लिए ले रहे भाई, इसका मतलब। ओके, ओ माय गॉड, ये हो सकता है ब्रो, ये हो सकता है, यही पॉसिबल है, अदरवाइज डार्क पंपकिन का क्या सीन होगा? सुनो, ऐसा करो, फटाफट चलते वहाँ पे, है ना, और देख के आते उस फैक्ट्री को, उसको डिस्ट्रॉय करते एक बारी, अगर हम लोग कर पाए। मतलब मुझे लगता तो नहीं है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ वहां पर भी जादू टोना जरूर किया होगा, बट मान के चलो अगर हम लोगों ने कर दी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय, तो हम लोग एक स्टेप आगे हो जाएंगे होगा लाला से फिर से। ब्रो, बस हमें बच के चलना पड़ेगा वहां पे एसजीओ भाई के दो क्लोन से, एंड वहां पे मैंने दो ही देखे हैं, बट ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ज्यादा हो जाए इस बार यार। स्मार्टी भाई ध्यान रखना, इधर ही कहीं देखो वो सामने, वो है वहां पे वाली पहाड़ी ना। लेट्स गो, फटाफट चलो, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए भाई। स्मार्टी भाई जल्दी आओ उधर, देखो सेम टू सेम, जल्दी ब्रो। स्मार्टी भाई देखो, बोला था ना मैंने, सेम टू सेम वही छेद है। एक्चुअली है यार, इस बार लास्ट टाइम पे नहीं था ये, मेरे को याद है अभी तक। आजो अब जल्दी आओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे सेम तो है, कहां है वो रेड फोर्ट्रेस वाले ब्लॉक्स? अभी अब आ गया, जल्दी मेरे आ गया, यहां ज़ॉम्बीज से बच के रहना। यहां पे ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है भाई, मेरे पीछे पड़े भाई ये, इधर बहुत खतरनाक ज़ॉम्बीज। वहां पे एक्चुअली है, मैंने बोला था ना, वहां पे देखो सेम टू सेम वही है ब्रो, यहाँ पे एक्चुअली फोर्ट्रेस वाले ब्लॉक्स है। लास्ट टाइम पे नहीं था, आई स्वेयर, मेरे को याद है अभी तक, जब मैं आपके साथ आया था। भाई आप आओ मेरे साथ, आओ आ गया, मैंने आपको बोला था ना, आपको जब ये वियर्ड है, क्या ये वाले ब्लॉक यहाँ पे कैसे आ सकते? लेकिन भाई आई डोंट नो भाई, जहाँ पे उल्टे सीधे सीन होते हैं वहाँ ये ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जहाँ पे होगा वगैरह को सीन होता है ना, गंदे वाला सीन, वहाँ पर है ना फोर्ट्रेस के ब्लॉक्स आते आते ही आते, कुछ भी हो जाए। मुझे बताओ कहाँ पर है वो फैक्ट्री, जल्दी देखो। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो सामने, देखो सामने क्या दिख रहा है आपको? जहाँ मैं देख रहा हूँ पंपकिंस दिख रहे हैं भाई, और कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ पे मेरे को यार। पंपकिंस कैसे आ सकते हैं इधर, आप सोचो। ये वही वाले पंपकिंस का सीन है, मेरे को लग रहा है सही है ये। आ जाओ इधर आओ मेरे पीछे आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। इधर संभल के आना, बस गिर मत जाना गलती से भी, नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। आ जाओ। और आपने वो देखा पीछे, देखो ये सब बने हुए हैं कोबलस्टोन से, ये सब मेरा ही सीन है भाई, उन्होंने मेरा मैन हंट किया था एसजीओ भाई ने, एसजीओ भाई ये वाला। ओह माय गॉड यार, स्मार्टी भाई देखो सामने, देखो वहां के लिए देखो जल्दी। कहां? ओ अरे मैंने बोला था ना, दो बंदे हैं, इनसे बच के रहना, लेजी टेंशन लेना नहीं अभी, इनसे बच के रहना। नहीं लड़ना तो मैंने बिल्कुल नहीं है, बट मैं एक बार स्नीक करके जा रहा हूं, आप ना उधर मत जाओ, इसको मारो। अरे आप मेरे को धक्का दे रहे हो, इसको क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी भाई, बट ये उड़ा के मेरे पे फेंक दिया। रुको मेरे को दूर से देखने दो, ये दो ही है, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कितने हमारे दुश्मन है यहाँ पे ब्रो। ये बहुत बेरहम मारते हैं ब्रो, इनसे लड़ना नहीं है। कौन सा सिस्टम है इन्होंने लगाया हुआ नीचे? अच्छा, कुछ ना हॉपर से निकाल रहे हैं इस माइनक्राफ्ट हॉपर पे, एंड देन उसके बाद नीचे शायद से चेस्ट वगैरह होगी। नीचे नहीं, सामने देखो, सामने देखो, चेस्ट दिख रहे हैं आपको सामने, उन्हीं के अंदर है डार्क पंपकिन, उन्हीं के अंदर है डार्क पंपकिन। ये बंदे लिटरली कंटीन्यूअसली काम कर रहे हैं यार, और दूसरा वाला बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, पर ऊपर वाला बंदा कंटीन्यूअसली ऑब्जर्वर में देख के कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। मे बी इनका प्रोडक्शन है तगड़ा ही चल रहा है। किस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं डार्क पंपकिन के आपके हिसाब से? Yes, bro. सुनो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है इनकी फैक्ट्री तोड़नी पड़ेगी हम लोगों को। सुनो एक काम करो आप, ड्रीम भाई आप अपने पीछे इन दोनों को भगाओ, ठीक है ना, और भागो ढंग से। आर यू श्योर भाई? मैं मना कर रहा हूँ लड़ने की, और आप मेरे को कह रहे हो? यार जाओ ना प्लीज यार, अगर हम लोग तो वहां पर गए, दोनों को देख लिया, दोनों हमारे पीछे पड़ जाएंगे, देन हम दोनों भागते रह जाएंगे ब्रो। आपको पता है ना कैसा होता है यहाँ पर? ब्रो अगर मैं मर गया फिर? आप लास्ट टाइम बचे थे, मेरे को आप पूरा यकीन, आप इस बार ही बच जाओगे। आप क्या करो, आप इन दोनों के दोनों को भगाओ उस आगे वाले डायरेक्शन के लिए, मैं फटाफट जाकर इस फैक्ट्री को तोड़ने की कोशिश करूं। मेरे पास पिकैक्स नहीं, अच्छा पिकैक्स है ठीक है, फटाफट जाओ भाई। मेरे पास कुछ खाने का नहीं है ब्रो, पहले आप खाने का दो कुछ, खाने कुछ का ले जाओ, थोड़ा बहुत खाने का ले जाओ, मरना मत। इनफैक्ट और ले जाओ, लो 10 ले जाओ पूरे आप। सुनो जाओ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मरना मत प्लीज। ओके 1 2 3
आ जाओ बेटे नल्लो, दूसरी साइड के लिए भगाना है भाई, दूसरी साइड के लिए भगाना है इनको आपने। आप बेटे कुछ भी हो जाए वापस मत आना ब्रो, कुछ भी हो जाए। मैं तोड़ रहा हूँ इस फैक्ट्री को। अरे नहीं तोड़ पा रहा मैं इसको। ये किस टाइप की फैक्ट्री है ये? रेडस्टोन ऑब्जर्वर्स। स्मार्टी भाई जल्दी करो भाई, ये मेरे को चटकाना दे। अरे जल्दी बचते रहो भाई, ये चेस्ट बहुत ज्यादा हाइट में है। खाली है चेस्ट, आर यू श्योर? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, खाली कैसे हो सकती है? अरे लिटरली स्पीकिंग खाली है। पंपकिन, ओ माय गॉड, आपको ऐसे फालतू में गलतफहमी हो रही ब्रो। ब्रो हो ही नहीं सकता, 100% आई एम श्योर सारी चेस्ट खाली है, सारी चेस्ट खाली हो सकती भाई, मैंने आंखों से देखा है सारी चेस्ट। 60 भाई, एक चेस्ट के अंदर हर जगह पे 64 करके पंपकिन्स पड़े हुए लिटरली। देखो मैंने कहा था ना, कहां पे आप पे हो, आप कहां पे हो? भागो, सुनो बाहर भाई, ये मेरे को मार देंगे भाई, ठीक है? बाहर मिलो आप मेरे को। अरे छोड़ दे भाई, तेरी ऐसी तैसी। आ बेटे आ लड़। ओ माय गॉड, निकल रेनबो, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। स्मार्ट भाई मेरे को बाहर मिलो, मैं बचाऊं, अब भी बताऊं मैं। निकलो, मैं भी यहां पे आ चुका हूं। ओ माय गॉड, एक सेकंड रुको भाई, इससे पहले कि मेरे ब्लॉक्स खत्म हो, जल्दी निकल रेनबो। क्या बोल रहे थे आप? मेरे को बोल रहे थे कि वहां पे बहुत सारे पंपकिंस है ब्रो, वहां पे सिर्फ एक चेस्ट के अंदर पंपकिन है यार, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं हमको। ब्रो आई डोंट नो, बट वो सारी चेस्टेस भरी हुई थी और सब में स्टैक्स ऑफ स्टैक्स थे, सीरियसली। नहीं है लिटरली ब्रो, वहां पे सिर्फ एक ही है। आप कहां पे, पहले मुझे एग्जैक्ट बताओ अपनी लोकेशन। ब्रो अभी मैं वो बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ, आप मेरे को बाहर मिलो। ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ भाई। कहाँ रह गए स्मार्टी भाई? बस पहुंच गया, जल्दी आओ जल्दी। पीछे तो नहीं आया ना मेरे? अब नीचे देखो, नीचे देखो, जल्दी आओ जल्दी। आगे चलो भाई। ओह माय गॉड ब्रो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ब्रो। वहाँ पे नहीं थे लिटरली स्पीकिंग, कुछ नहीं था वहाँ पे भाई। अरे ब्रो एक स्टैक तो था, मतलब आप रुको एक सेकंड रुको। सबसे पहले मेरे को मेरा फोन निकालना है, तो मुझे कैलकुलेट करने दो एक बारी भाई साहब, इतनी गिनती भी नहीं आती मुझे यार। लेजिट दो बार वन हट पे छोड़ा है और अब भी मेरा सीन हो जाता ना कैडे वाला, तो फिर आप अकेले क्या करते इधर? ब्रो आपने मरवा दिया था भाई मेरा, मतलब सीन बैठ जाता अभी। आई एम सो सॉरी यार, लेकिन ब्रो उस चेस्ट के अंदर ना 64 करके जो स्टैक्स थे ना, 1728 एक थे उसके अंदर। ओ माय भाई, 1700 चार पंपकिंस और एक चेस्ट में 1700 है। वहाँ पे मैंने देखे थे 6 के 6 चेस्ट भरे हुए थे, इधर आप एक चेस्ट में 1700 कह रहे हो ब्रो। लिटरली ड्रीम बॉय, यस भाई हमारी लग चुकी है शायद से। अगर आप बोलो कि सारे के सारे चेस्टों के अंदर भरे हुए थे, कितनी चेस्ट थी ओवरऑल वहाँ पे? 6 देखी है मैंने मैक्स, 6 और सारी भरी हुई थी स्टैक्स ऑफ स्टैक्स कर देंगे। 10,368 इसका मतलब समझे आप? और आप समझे 10,000 क्या बनने वाला है यार? मेरे को ऐसा लग रहा है ड्रीम बॉय की आपने जो देखा था वो सही था, एंड वहां से 5 चेस्टों के जो वो डार्क पंपकिंस थे ना, वो ऑलरेडी सप्लाई हो चुके हैं। इसका मत, ओ माय गॉड निकलो जल्दी ड्रीम बॉय, जितना जल्द से जल्द हो सकता है इनको कैप्चर करना पड़ेगा। जहां भी आपको जानवर दिख रहे हैं ना भाई, मारो और खाना गैदर करो। कुत्ते को नहीं मारना, सिर्फ कुत्ते से खाना नहीं मिलता। मेरे को लग रहा है ना भाई, वो सारे के सारे जो स्टैक्स ऑफ स्टैक्स थे ना डार्क पंपकिन के, वो ऑलरेडी स्मगल हो चुके हैं, एंड अब उनके साथ यू नो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है होगा एंड होला का, यू नो 10,000 की आर्मी कन्वर्जन का। नहीं ब्रो अभी हमको बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए। सुनो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमको क्या करना है। मेरे को विजर्ड ने बताया क्या बताया, जहाँ पे हम लोगों ने हुला लाला को यू नो गलती से बाहर निकलवाया, याद होगा आपको क्या सीन वाला? सुना आपको कुछ यहाँ पे वो पड़ी शवल वगैरह, ब्लॉक्स निकालो जितने निकाल सकते हो, जितने निकाल सकते हो अब भी निकालो। रुको मेरे पास ब्लॉक्स हैं, काफी सारे ब्लॉक्स हैं, ये लो बस ठीक है। सुनो मेरी बात, मैं आपको बोल रहा था कि हुला लाल को हम लोगों ने कहाँ से आजाद करवाया था गलती से, याद है? क्राइंग ऑब्सीडियन वाली प्रिजन से। क्राइंग ऑब्सीडियन वाली प्रिजन, उसके अंदर ही तो भाई ये लोग वहाँ पे कैप्चर कर सकते। आपको पता होगा, याद होगा आपको कि जब हम लोगों ने हुला लाल को बाहर निकाला, हम लोगों को हिंट्स किसने दिए, किसकी जेब से वो #3up वाला साइन निकला था बाहर? होगा लाला। वो बेसिकली होगा लाला खुद क्राइंग ऑब्सीडियन को टच नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई वो हमको हिंट्स दे रहा था, पता है आपको? मतलब क्राइंग ऑब्सीडियन उनके लिए कर्स है, उनके लिए कर्स है, जैसे कि नेदरराइट है होगलाला के लिए, बट क्रैंग ऑब्सीडियन दोनों के लिए है। लेकिन उसने मुझे एक और बात बताई अपने किंग ने, अगर वो लोग मर गए ना, तो वो डार्क एंटिटी है ना जो सबसे खतरनाक वाली है, वो आजाद हो जाएगी वहां से बाहर, क्या बोलते हैं? तो बेसिकली हमको मेक श्योर करना है कि वो लोग क्रैंग ऑब्सीडियन के ऊपर खड़े हो जाएं, बट मरे ना, बिकॉज क्रैंग ऑब्सीडियन पे खड़े होते वो लोग मर जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ब्रो ये देखो यहाँ पे, ये कैसा डेजर्ट टेम्पल है ब्रो? भाई मत जाओ, मत जाओ, मेरे को हर चीज पे शक जाता है अब, मेरे को हर चीज पे शक जाता है, मत जाओ। यहाँ पे देखो ये दो बायोम के अंदर जुड़ा हुआ है ब्रो, इसके अंदर मत जाओ, मेरे को हर चीज पे शक जाता है, अब यहाँ से चलो।
ये एकदम ही नेचुरल भाई, निकलो यहाँ से, इसके अंदर नहीं जाना, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफिनेटली होगी गाइस। ऑलराइट, तो फाइनली अपने विलेज के बाद वापस आ चुके हैं। ड्रीम बॉय ऐसा करते हैं ना भाई, कहीं पे फटाफट लावर पूल ढूंढते हैं, फटाफट नेदर के अंदर चलते हैं, बिकॉज़ मैं सोच रहा हूं कि नेदर के अंदर जाके हम लोग क्राइंग ऑब्सिडियंस की ना ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज़ अगर हम लोग खोदने के लिए जाएंगे ना क्राइंग ऑब्सिडियंस, तो भाई हम लोगों को बहुत से रूइन पोर्टल ढूंढने पड़ेंगे, जो कि कहां ही मिलते हैं भाई, बहुत रेयरली मिलते हैं यार, है कि नहीं है। तो ऐसे करते हैं वापस। अरे अंदर बंदे आ गए हमारे, कमांडर साहब, कमांडर साहब, कमांडर साहब। मैं पूछ के आता हूं भाई, ये तो कहां का है, इतनी देर से लेकर यार, मैं पूछता हूं ऊपर से। और अगर तो मैंने अभी बात करी कमांडर साहब और अपने विजर्ड भाई साहब से, और इन्होंने मुझे पता क्या बताया ना, कि इन लोगों को एक्चुअली हमारे इस विलेज के अंदर ना मेरा और ड्रीम बॉय का एक क्लोन मिल गया था, क्लोन मतलब डुप्लीकेट मिल गया था बेसिकली, एंड इनको लगा कि वो लोग असली स्मार्टी और ड्रीम बॉय हैं, तो भाई साहब वो उनके पीछे पीछे बाहर आए, एंड उनकी मारा मारी स्टार्ट हो गई यहाँ बाहर, एंड देन उसके बाद मारा मारी करते करते लोग पता नहीं कहाँ को ले निकल गए थे, एंड बंदे बोलते कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला सीन यहाँ पर हो चुका, बिकॉज उनकी जो आर्मी है ना एटलीस्ट 4-5 हज़ार की बन चुकी है, बंदे ये बोल रहे हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर अपने कमांडर साहब को बोला भाई मेरे को ये देने के लिए यस, क्योंकि मेरे पास ना टोपा खत्म हो गया, टोपा का यहाँ है प्रोटेक्शन 4, एस्पिरेशन 3, एक्वा एफिनिटी, अनब्रेकिंग थ्रेड, मैंने का एक बहुत ही तगड़े वाला सॉलिड, इसने मेरे को हेलमेट दे दिया है, बिकॉज अभी हम लोगों की फाइटें फटी हो सकती है, बिकॉज जब हम लोग उनको कैप्चर करने के लिए जाएंगे ना भाई, तो जरूरी होगा ये, और मेरे ऑलमोस्ट आर्मर टूटने वाला, मैं इसको ना रिपेयर करता हूँ फटाफट यहाँ पे। और ओ भाई थैंक यू, मेरे पास 13 पड़े हुए थे, बाकी मैंने यूज कर लेते एक्चुअली। ऐसा करते हुए फटाफट इनको मारता हूँ और अपने आर्मर को रिपेयर करते हैं मैन, ये हमारा हो चुका है, इतना काफी है, चलो फटाफट चलते हैं। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। एंड गाइस कम से कम ज्यादा नहीं, इसने मेरे को बताया 5,000 की सेना बन चुकी है भाई, वो जो ड्रीम बॉय, वो जो हमारा वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, जो डार्क पंपकिन बन रहे थे, एक्चुअली हमारा जो शक था ना वो सही निकला, वो जो डार्क पंपकिन थे ना, वो सारे के सारे उन लोगों ने उस फैक्ट्री से एक्चुअली अपने कोलोन्स बनाने के लिए यू नो यूज कर भी दिए भाई, लग चुके हैं मेरे रॉकी बोलते। ओह माय गॉड ब्रो, अगर वो लोग सामने आए तो अभी हमारे, सोचो जरा 5,000 होगा लाला हुलाला की आर्मीज, इनफैक्ट आपके कोलोन्स भी उसमें आते ज्यादा, और मेरी भी है, फलाना जी के भी होंगे और एस जी के भी होंगे, ये ही तो कंफ्यूजन हो रही है ना, सुनो 5,000 लोग सामने से चल के आ रहे हैं हमको पेलने के लिए, एक तो यही तो कंफ्यूजन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा रियल वाला कौन सा है, ऐसे एसजीओ भाई खड़े थे, मुझे लगा कि वो रियल वाले हैं, बट फिर ध्यान आया तो डार्क हिमलैंड में यहाँ कैसे आएंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नेदर के अंदर, बस आस पास लावा पूल मिल जाए यार, नेदर के अंदर चलते हैं फटाफट क्राइंग ऑब्सीडियंस की ट्रेडिंग करते। अरे सुनो आपके पास आयरन पड़ा हुआ है क्या? है मेरे पास आयरन है, कितना चाहिए आपको? ऐसा करो मेरे को एक पिकेक्स बना के दो, आयरन की 2-3 पिकेक्सेस, क्योंकि हमको वो गोल्ड वगैरह खोदना पड़ेगा ना भाई। ओके इधर आओ मेरे साइड आओ, मेरे साइड आओ। ओ यहाँ पर है फाइनली, कितनी देर के बाद लेट्स यार। लेट्स गो, लेट्स गो। चलो फटाफट बनाते हैं। वाटर बकेट है आपके पास? मेरे पास वाटर बकेट नहीं है भाई, मुझे वाटर लगा था, मेरे को लगा था, लो पकड़ो मेरे पास दो, वाटर बकेट पकड़ो फटाफट, लेट्स गो बनाओ फटाफट बनाते हैं भाई। अब जितना फास्ट कर सकते हैं मैं तो जितना फास्ट करने वाला हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा, मेरे को लग रहा है ना भाई हम लोगों के एक्चुअली लगने वाले हैं, पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है दिल की गहराइयों से, लगने वाले हैं हम लोगों के। अरे फ्लिंट एंड स्टील है कि नहीं है भाई? मेरे पास तो नहीं है। अरे भाई ड्रीम बॉय जब चलता है ना तो अपने पास माल लेके चलता है। चलो फिर पकड़ो, येलो लेट्स गो, चलो भाई फटाफट अंदर। ओ माय गॉड भाई ध्यान देना बस कुछ भी हो, ठीक है ना? सुनो नेदर के अंदर हम लोगों को नहीं लड़ना उनसे, याद रखना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो आप, क्योंकि हम लोगों को खोना नहीं है, इसी से बाहर आना है हमको, हम लोग भाई खतरनाक वाली गुफा के अंदर। आपका आयरन वगैरह और पड़ा हुआ है ना भाई? हमको बहुत सारे चाहिए गोल्ड वगैरह, समझ ये सीन हो गया भाई, क्योंकि हमारे पीछे हमको मारने के लिए पड़ जाएंगे ना लोग, ये लोग हमको मारने के लिए पड़ जाएंगे, हमारे पास गोल्ड का कुछ भी नहीं है। ओके मेरे पास यहाँ पे गोल्ड के जूते पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है गोल्ड, तो मैं इससे अपने लिए वो बना सकता हूँ गोल्ड के जूते। अरे कोई सीन नहीं भाई, मेरे पास है गोल्ड थोड़ा बहुत, मैं भी बना लेता हूँ। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि जूते की जगह मैं हेलमेट बनाता हूँ, बिकॉज मेरे को एक्चुअली फैदर फॉलिंग 4 की जरूरत होगी, गिर गिर गए तो मर मरा जाएंगे। स्मार्टी भाई हाँ, मेरे को पैशन मिल गया, पैशन मिल गया, मिल गया फाइनली यार। चलो इतना नजदीक है भाई हमारे पोर्टल के, कितना ब्रो आपको वही दिख रहा है? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ ब्रो, दिखना मत इसको, दिखना मत इसको, कुछ भी हो जाए। वो गूगल वाले क्या वो यार भाई, इनको कैसे पता चल रहा है, इनको कैसे पता चल रहा है यार? डीमो हमारी आवाज तो नहीं सुन रही, सारे गोल्ड निकाल दिए यार, कितनी मुश्किल से मिला था हमको ये वाला यार। आई डोंट नो ब्रो, ये बंदा निकलो इससे, सारे निकाल दिए, इधर को इधर को इधर को इधर को। अरे आपने ये वाला ब्लॉक क्यों लगाया, इसको लग जाएगा, तोड़ो उसको। कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे मतलब गोल्ड के लिए आए हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए?
आपको पता है ना वो फ्यूचर देख सकता है, वो हूला लाला है ना, मेरे को लग रहा है उसने फ्यूचर की ग्लिम्स देखी होगी। ओ और साथ में आपको एक बात बताऊं, इस बंदे का नेम टैग दिखा आपको क्या? नहीं। ये हमारे होगा लाला का वो था, कोलोन था जो बंदा वहाँ पे सीन का। ओ माय गॉड भाई, ये इतनी आसानी से कैसे खुद को कैप्चर होने देगा मुझे बताओ। मेरे को लग रहा है ना होगा लाला को पता चल गया होगा कि जो हमारा किंग है वो हमको यहाँ पे हिंट दे रहा है, उसको कैसे पकड़ सकते हैं, इसीलिए उसने क्या कर दिया, सबसे बेस्ट वे क्या है क्राइम ऑपरेशन निकालने का, ट्रेडिंग। तो इनकी ट्रेडिंग ही खत्म कर देंगे हम लोग, उसने पूरा प्लान बनाया हुआ भाई। क्या इंटेलिजेंट है भाई एंटिटी यार, अजीबी है भाई साहब। अभी आप इधर से निकल लो चुपचाप, हमको दूसरा बेशन अभी ढूंढना। किधर किधर गए? मुझे लग रहा है आसपास के जितने भी बेशन है ना, उन सारे के सारे बेशन को है ना ये गोल्ड खाली करने वाले, यही इनका प्लान है। इसके बाद 5,000 की आर्मी है, सोचो 5,000 बेशन खाली कर देगा, इतने तो हम लोग लाइफ टाइम में भी नहीं ढूंढ सकते भाई। एंड एग्जैक्टली गाइस दिस वाज ट्रू, हम लोग कभी भी यहाँ पे 5,000 बैशेस को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन विद इन लाइक 10 सेकंड हम लोगों को एक बैशन मुंह के सामने दिखा और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया इस चीज को देखकर। एंड जब हम लोग ऐसे अंदर गए बहुत सारा गोल्ड निकालने के लिए, तब मेरे को ड्रीम बॉय ने एक बहुत बड़ा सदमा दिया। अरे भाई क्या वही सेम वाला बैशन है, हम पीछे से घूम के आ गए हैं भाई, यहाँ से निकलो जल्दी। नहीं ये भाई अलग है ये। अरे वही है स्मार्टी भाई, जल्दी चलो इधर से, ये सेम वही भाई, सेम नहीं अलग, वो दूसरी साइड था। नहीं घूम के आ गए हम यहाँ से, निकलो जल्दी, इससे पहले होगा लाला इधर। एग्जैक्टली ये वही वाला बैशन था जिसके अंदर अभी होगा लाला का डुप्लीकेट उस गोल्ड को निकाल रहा था। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर खुद को मौत के मुंह पे धकेलने वाले थे, हम लोग ऐसे फटाफट भागे, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। उसके बाद हम लोगों को फाइनली एक और बैशन मिला जिसके अंदर हम लोगों ने लूट बचाई, यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड था। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारा सर्वर पूरा का पूरा लैग लग गया करने, और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद गाइस हमें एक्चुअली समझ में आया कि ये सर्वर लैग क्यों कर रहा है। ब्रो ये सर्वर इतना ज्यादा लैग हो रहा है, मुझे लग रहा है होगा लाल ने जान मुझके कराया भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है यार। D1 से लेकर मायावी हरकतें कर रहा, मेरा सर्वर कभी लैग हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर 2,000 बंदे एक साथ खेल सकते हैं, पता है तुम लोगों को 2,000 बंदे, देयर इज नो वे कि मेरा सर्वर लैग करेगा जिंदगी में कभी। आपके में तो 2,000 खेल सकते हैं, पर वो तो 10,000 ला रहे हैं। ओ माय, अरे सुनो तभी तो ये लैग हो रहा है सर्वर, 5,000 बंदे आ चुके। अरे माँ कसम मेरे दिमाग में चीज नहीं आई इससे पहले, आपने अभी जस्ट बोला तब जाके मेरे को दिमाग में आई ये चीज। एग्जैक्टली यहाँ पर होगा लाला की पूरी आर्मी आ गई थी 5,000 से 6,000 लोगों की, एंड हम लोग समझ गए थे दैट इज द ओनली रीजन कि हमारा सर्वर यहाँ पर लैग कर रहा है। तो हम लोगों ने अपने काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करी, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट टाइम पे ट्रेडिंग से मिलेगा ओवरऑल 2.5 stacks क्राइंग ऑब्सीडियंस के, विच वॉज नॉट इनफ, वी न्यू दैट। देन अगेन गाइस हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी एंड बैशंस को ढूंढा, एंड उसके बाद इन द एंड हम लोगों के पास थे गाइस पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 5 stacks क्राइंग ऑब्सीडियंस के, एंड हम लोगों को पता था कि इतने काफी होने वाले हैं होगा एंड हूला लाले के लिए एक बहुत ही बड़ी जेल बनाने के लिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने नेदर को लीव किया, एंड उसके बाद क्या होता गाइस तुम लोग आगे देखो। यहाँ पे हो रहा है लैग? नहीं यहाँ पे लैग नहीं हो रहा, चलो जरा आगे के लिए, एक्चुअली लैग नहीं हो रहा। मतलब कुछ गड़बड़ नेदर के अंदर ही था यार। हाँ देखो खाना मैंने एक ही बार में खा लिया लाइक लिटरली। एंड सुनो मेरे पास 6 नेदरराइट के स्क्रैप, 5 एंशिएंट डेब्रिस है, हम लोग इससे कितना बना सकते हैं 11, दिस मींस 2 नेदरराइट के इंगट्स बना सकते हैं। ब्रो अगर 12 होते ओवरऑल ना तो मजा आते हैं, 3 बन सकते हैं हमारे नेदरराइट के इंगट्स। अब ऐसा करते सुनो, क्राइंग ऑब्सीडियन तो बन चुका है, चलते एक डायरेक्शन में खुली ऐसी जगह पे, वहां पर फटाफट इनको कैप्चर करने के लिए एक प्रिजन बनाते हैं। ब्रो मजा आ जाएगा यार। ओके सामने मुझे विलेज दिख रहा है ड्रीम बॉय, चलो लेट्स गो ब्रो। डेजर्ट का है ब्रो, डेजर्ट का मतलब खुली लैंड मिलने वाली है वहां पर। ओह माय गॉड, पर यार हमको पता कैसे चलेगा कि होगा लाला वगैरह इस वक्त एग्जैक्टली कहां पर है? नो आइडिया ब्रो, भाई एकदम ऐसा रैंडम विलेज। ओ वहां पे देखो, अरे साइड ब्रो यहाँ देखो सामने के लिए इधर जहाँ पे खड़ा हूँ। ओह माय गॉड, स्टीव है, स्टीव व्हाट होगा लाला हुला रहा तो मैं समझता हूँ, यहाँ पे स्टीव के भी इन लोगों ने वो बनाए हुए क्लोन्स वगैरह सबके बनाए भाई ऐसे वगैरह। जाना जा क्यों रहे हो उधर? अरे मारेंगे थोड़ी है ब्रो, ये एक्चुअली जिंदा लोग है, देखो यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं बंदे। ओह माय गॉड, देखो ये देखो ये भी मेरे को देख रहा है भाई, बहुत वियर्ड है। अरे वहां पर देखो यार वो क्या है यार, अब देखो हवा में वो क्या लटक रहा है, कैसे लटक सकता है वो हवा में, क्या है ये? बहुत ज्यादा मायावी काम हो चुका है। सुनो मेरे को ऐसा, ओ भाई को ऐसा लग रहा है कि इसने खोद के क्या हुआ है ना भाई, निकल लो ना यार, मैं यहाँ कभी नहीं आया पहले, आई स्वेयर। ओए ये परफेक्ट जगह ना यहाँ पे हमारी, ये अच्छा यहाँ पे नहीं कर सकते लेकिन हम लोग, रुको या फिर ऐसा करते हैं ना भाई, यहीं पे करते हैं, इधर ही उनको कैप्चर करेंगे हम लोग, ऐसा करो। हाँ बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से आप क्या करो ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा आए हुए, तभी तो यहाँ पे इनके वो बनाए हुए हैं,
पूरा का पूरा विलेज उन लोगों ने खत्म कर दिया बेचारे। अच्छे खासी सिविलाइजेशन थी यहाँ पे एंड सबके सबको अपने ऐसा बनाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे सीन स्टार्ट कर दिया। देखो यार क्या ही सीन है। अब ऐसा करो ना भाई, इधर ही करते, मुझे लग रहा है वापस जरूर आएंगे इन विलेजेस को फिर से कन्वर्ट करने के लिए। अब ऐसा करो अपनी शवल निकालो और यहाँ पे क्या करो 5x5 का गड्ढा बनाओ। पर 5x5 का गड्ढा क्यों बनाना है? देखो ऐसा है भाई, 5x5 का गड्ढा बनाएंगे एकदम नीचे, ऊपर हम लोग वो डेजर्ट एंड वो साइन बोर्ड वाली ट्रिक आजमाएंगे, खोदेंगे, बंदे नीचे गिरेंगे एंड सीधा ही नीचे हमारी ये पूरी पूरी प्रिजन होगी ना ब्रो, जेल में बंद हो जाएंगे, क्राइंग ऑब्सिडियन की बनी होगी। एंड समझ जाओ आप मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, 12 लेयर की बनाने वाला हूँ मैं इसको एक्चुअली। तो जब इसको 12 लेयर की मैं बनाऊंगा ना, तो बस मेक श्योर करना कि बस ये लोग छलांग ना मार पाए पहले ही बाहर, ठीक है ना। हमको ऊपर से क्राइंग ऑब्सिडियन से इसको फटाफट बंद करना जितना फास्ट कर सकते, समझ रहे आप लोग? जी भाई बिल्कुल ब्रो, पलक झपकते ही काम करना पड़ेगा वरना ये लोग एस्केप कर जाएंगे। ओवरऑल 3 की हाइट हो चुकी है ड्रीम बॉय, ये लो मैं आपको और शवल दे रहा हूँ, बाकी मैं करता हूं। दोनों की तरफ शवल से खोदो एंड ओवरऑल 12 ब्लॉक गहरा खोदो उसको फटाफट, कम ऑन मैन। मैं देख कर आता हूँ इस विलेज के अंदर कुछ और गड़बड़ तो नहीं है ब्रो। यार कितने अजीब यहाँ पे स्टीव के वो बनाए हुए भाई इन लोगों ने क्लोन्स यार, बल्कि ये तो कुछ ये तो होता भी नहीं है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर, लाइक लिटरली अजीब सिस्टम है भाई इन लोगों ने किया हुआ यार। और अगर तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरी की पूरी खुदाई कर दिया, 6x6 की करिए फिलहाल को, ताकि जब अंदर से हम लोग इसकी दीवार को उठाएंगे ना तो 5x5 की बन जाए। सुनो लो जी भाई, एक भी छेद बचना नीचे, ठीक है? जैसे एक भी छेद बचा ना तो दिक्कत हो जाएगी ब्रो। और आपने एक चीज का ध्यान देना ड्रीम भाई, आपने बस एक चीज का ध्यान देना कि नीचे हमको 2 छेद रखने पड़ेंगे जहाँ पे होगा वोला खड़े होंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। को जलना स्टार्ट करते हैं जैसे क्राइंग ऑप्शन पे खड़े होते हैं ना, एंड वो लोग धीरे धीरे करके मर जाएंगे फिर ऐसे करके। एंड अगर वो मरते हैं तो उनके पिताजी जो बैठे हैं ना नेदर के अंदर वो रिलीज हो जाएंगे, वो गुस्सा आ जाएगा, रिलीज नहीं आएगा। मेरे उसने बताया, विजर्ड ने मेरे को बताया ब्रो कि उसको गुस्सा आ जाएगा एंड देन वो डार्क हिमलैंड से जबरदस्ती बाहर आ जाएगा हमको पेलने के लिए, तो ध्यान देना भाई। ओह माय गॉड ब्रो, सोचो अगर 10,000 आर्मी अलग और साथ में उनका पप्पा जी अलग। आप देख रहे हो ना जब 5,000 लोग जब बन चुके हैं उसमें ही सर्वर इतना ज्यादा हैंग हो रहा था, तो सोचो जब 10,000 आएंगे तो हम लोग तो लड़ ही नहीं पाएंगे उन लोगों से भाई, हम तो ऐसे ही हार जाएंगे भाई। तो ब्लॉक्स ही कम पड़ गया, सिर्फ 13 ब्लॉक बचा, क्या करेंगे? अरे काम करो ना, अब कोने के ब्लॉक्स निकाल लो, पकड़ो आप ये पिकैक्स, मैं भी निकालता हूँ, ठीक है? चलो भाई फटाफट ये साइड के सारे ब्लॉक्स निकाल दो, वेस्ट हो रहे भाई, फेंको भाई जल्दी। मेरे पास अभी 11 आ चुके हैं, ये लो ये लो पकड़ो। ऐसा करो सिर्फ एक काम करो, आप साइन बोर्ड्स बनाओ फटाफट, मैं इसको कंप्लीट करके आ रहा हूँ हमारे इस फ्लोर को। बट साइन बोर्ड क्यों बनाने हैं? आप बनाओ बस जो मैं बोल रहा हूँ आपको, 15 साइन बोर्ड बनाओ, 16। ओके गिव मी जस्ट 5 मिनट, मैं अभी बना के लाया, बेस्ट एकदम। ऑलराइट यहाँ से नीचे 2 लगाऊंगा एंड यहाँ पर इनके खड़े होने के 2 ब्लॉक्स एंड दैट्स इट, काम हो चुका है। इसको यहाँ पे लगाएंगे, अब देखो ऐसे करके ना मेरे को सारे के सारे साइन बोर्ड यहाँ पे लगाने हैं। याद होगा यार मैंने आपको एक बार ऐसे सेम उसे फसाया तो था, भूल गए इतना जल्दी? याद है भाई मेरे को, वो याद है, इतना खतरनाक ट्रैप है ना, मैं फोल्ड डैमेज से मरा था ना उसमें। नहीं आपने आके मारा था। अब हमको सिर्फ एक और काम करना, सुनो, सबसे लास्ट वाली लेयर पे जाके फटाफट टॉर्चेस लगाओ बहुत सारी, क्योंकि सैंड नीचे गिरेगी ना तो वो सैंड पे खड़े हो जाएंगे दोनों के दोनों एंड देन हमारा पूरा का पूरा ट्रैप है ना वेस्ट हो जाएगा। आज बाहर आओ जल्दी, लेट्स गो भाई। परफेक्ट बॉल, मैं यही सोचा था कि अगर आप हमें पानी मार के आओगे ना तो सारी की सारी टॉर्च हमारी ऐसे ही निकल जाएगी यार। ओह माय गॉड ब्रो, ये कितना, अगर आप ऐसे देखो तो एकदम ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये कोई ब्लैक मैजिक टाइप है नीचे। बेटा ब्लैक मैजिक करके बेलना पड़ेगा इन लोगों को, ये लोग बिना ब्लैक मैजिक के नहीं मानने वाले। बट आप ये चीज सोचो कि अभी मिलेगा कहाँ है होगा लाला हमें भाई, कहीं से भी पाताल से खोद कर निकालूंगा इस बंदे को आज मैं, बट मैं इसको आज निकाल के रहूंगा। ओपी मैन, आप मत गिर जाना बस गलती से। नहीं नहीं बस एक साइड का, बस ये वाला मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, जैसे मैं एक को तोड़ूंगा ना ये सब कुछ उठ जाएगा और उसके बाद होगा लाला वगैरह सब नीचे गिर जाएंगे। मेक श्योर करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द, अरे एग्जैक्ट नंबर ऑफ ही थी मेरे पास, जैसे मैं इसको तोड़ूंगा ना भाई सबको नीचे गिर जाएगा, होगा हुला नीचे गिर जाएंगे, बट आई हैव टू मेक श्योर जो 27 क्रैंक ऑप्शन मुझे फास्ट लगाने पड़ेंगे ऊपर बस। पर अभी हमारा मेन मोटिव है होगा को लाके खींच के लाना, इधर कहां से लाएंगे? खींच के लाना है भाई, अरे ढूंढते हैं उसको, चलो कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमको, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिलेगा नहीं हमको इस वर्ल्ड में। अरे भाई हम लोग बंद है क्या? चलो वापस चलो उस विलेज के अंदर, उन लोगों ने बनाए हुए तो है इतने सारे अपने डुप्लीकेट्स, उनको देखने के लिए वापस तो आएंगे ना कभी ना कभी। Are you sure? वो ऐसा करते हैं ब्रो, इधर इनकी ना समाधि बना देंगे भाई आज। सोचो आप जिस विलेज के अंदर ये लोग अपने कॉलोनीज बना रहे हैं ना, उधर इनको गाड़ देंगे हम लोग जमीन के नीचे। अगर मैन जो आप कह रहे हो वो सच हो जाए तो मेरे को वाकई कसम दिखी अभी अभी यार, मेरे को दिख साइड साइड साइड। ओ माय गॉड, मिलना नहीं आपने। अरे वो बंदा हाथ में हड्डी लेके घूम रहा है ब्रो, ये क्या सीन है, इनके अंदर की हड्डियां निकाल रहे क्या ये लोग? छुप जाओ भाई, देख लेंगे दिक्कत हो जाएगी। नो वे नो वे, मेरी बात सुनो जी भाई, एक काम करते हैं ना, देखो अगर मैं इनको अपने पीछे लूर करा के लाता हूँ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मतलब मैं टाइम पे उस जगह पे ना पहुंच पाऊँ ट्रैप को तोड़ने के लिए, तो आप ऐसा करो आप इनको अपने पीछे लूर करके लाओ और मैं वहां खड़ा रहूंगा, मैं एकदम से तोड़ दूंगा, दैट्स इट।
चीरा लगा। आर यू श्योर? बट वैसे एक बात बताओ, ये इन विलेजर्स को ही कन्वर्ट कर और ये आयरन गोलम नल्ला कुछ नहीं कर रहा? यार ये क्या ही करेगा, इसकी खुद फटी हुई है भाई इनसे। स्मार्टी भाई और मेरा तो सीन टाइट हो रखा है भाई, आपको डर नहीं लग रहा क्या? देखो तो सही है ना, वही वाला रिचुअल कर रहे हैं ये विलेजर्स भी, बार बार घूम रहे हैं इनके साइड के लिए। सुनो हम लोग देर कर रहे हैं, आप ऐसा करो ना दूसरी साइड से इधर के लिए जिधर हम लोग है ना उसके अपोजिट जाकर इनको अपने पीछे भगा के लाओ, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, आप पूरा घूम के जाओ, भर जाओ। ब्रो टाइमिंग होनी चाहिए एकदम सही, मरना मत प्लीज। बस मैं राइट साइड से जाऊं या लेफ्ट से? राइट से, राइट से, राइट से घूम के जाओ पूरा। एंड देन जब आप अपनी पोजीशन पर आ जाओगे ना मुझे बोलना फिर आपने। ओ माय गॉड ये बहुत अजीब लग रहा है यार। स्मार्टी भाई पीछे पड़ गए ये मेरे। रुक मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी करो, ठीक है जल्दी 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 बस काओ। ओ माय गॉड अरे यार जल्दी आ जाओ स्मार्टी भाई, पीछे तो जाओ। कमांड भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जल्दी घुस गए। ओ माय गॉड दिस इज क्रेजी, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ माय गॉड दिस इज, अबे तुम कहां जाओगे नीचे? मार कर मार इनको, आजा बेटा ऊपर आ, बाहर निकल ले 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 ले। मेरे क्राइक ऑब्सिडियंस खत्म हो गए। ओ माय गॉड हम लोग बर्बाद है अभी, बाहर निकल गए यार ये तो। भागो भाई, भाई भागो 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 रुको रुको, भागो ड्रीम ड्रीम ब्रो। माय गॉड मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, आ जल्दी आओ मेरे साथ, मेरे साथ मेरे साथ जल्दी आओ जल्दी ड्रीम बॉय, इनको थोड़ा बहुत लूर करो अपनी साइड के लिए। ब्रो कितना नॉक बैक दिया था इन्हें मैंने। माय गॉड हम लोग बेवकूफ है ड्रीम बॉय, हमको 5x5 का नहीं बनाना चाहिए था, 3x3 का होता ना, ये दोनों अंदर अभी यहां पे कैप्चर हो गए थे, लाइक लिटरली बोल रहा हूं मैं। अरे मैंने क्यूट टोपा पहना भाई ये वाला यार गोल्ड का, निकलो 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 निकलो। आपका पर्ल पूल पड़ी कुछ? अरे आपको ऐसा होगा, भागो भागो भागो। जितने तेरे को वो बनाने बंदे बना दे भाई अपनी तरह यार, मेरे को छोड़ दे भाई, निकलो यहाँ से, निकलो। डीप आपके साथ आके मेरे पास नहीं आ रही पीछे, पर्स वगैरह पड़ी है ना, 2-3 पॉल मार के बहुत दूर निकल जाओ, इनके हाथ बताना प्लीज, हम लोगों ने बहुत बड़ा मैसअप कर दिया। आजा बेटा हुगा, आजा बेटा हुगा, आजा बेटा, बॉल मार दी मैंने दूर 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 दूर। बच गए ना आप इनसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेफ, कीड़े में मत फंसना प्लीज, कहीं भी दिख करके अंदर घुस जाओ 2 मिनट के लिए, बस गायब हो जाएंगे आपके सामने से जल्दी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ब्रो, जैसे हम बचे हैं ना अभी भाई, मैं नल्ला हूँ यार। अरे यार हमने क्यों बनाया 5x5 का यार, हम क्या ही बंदे हैं यार, बंदे मुंह के सामने बाहर निकले भाई मेरे। नो वे भाई, बच गए आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सेफ हूँ। गॉड बस आप छुपे रहो थोड़ी देर के लिए, अंडरग्राउंड रहो ठीक है ना, बाहर मत निकलना, इन लोगों को लग गया पता है इनको पेन लेने के लिए आ रहे भाई, अब तो ये बंदे बहुत ही गुस्से में आएंगे हमको मारने के लिए, ब्लॉक निकाल कर रखो अपने पास ठीक है। ड्रीम बॉय हेलो, हेलो ड्रीम बॉय भाई, 50 ज़ॉम्बी पड़ गए पीछे। मैं आपको क्या, हमको आपका नेम टैग दिख रहा है, सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिख नहीं रहे, वही ट्रैप के पास वापस आओ, अब ऐसा करो वही खड़ा सारा का सारा ये बाहर निकालो, अब क्राइंग ऑब्सिडियन फिर से बनाना पड़ेगा, दिक्कत होगी यार। अरे नो मैन नो, मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोग उनको नेदर की रूफ टॉप पर ट्रैप करें जैसा हमने आपको किया था पहले। एक सेकंड रुको, नहीं यार वो बाहर निकल जाएंगे भाई। अरे कैसे निकलेंगे, फ्लिंट एंड स्टील थोड़ी लेके घूमते हैं भाई वो। अरे बेटा भूत है वो, भूत उसके पास सब कुछ होता है, इन्वेंटरी में पड़ा हुआ। आपने नोटिस किया है वो ब्लॉक्स तक नहीं लेते हैं, मतलब जब भी उनके हमारी फाइट हो रही होती है ब्लॉक खोदते हैं हाथों से। ओ मैंने एक्चुअली, मुझे याद है एक्चुअली मैंने देखा था एक बंदे को, आई थिंक होगा लाला को देखा था, वो अंदर नीचे ब्लॉक खोद रहा था भाई जब मैं टावर पे चढ़ा था, इसका मतलब वो लोग वही ना ब्रो, ऑफकोर्स ब्रो फ्लिंट एंड स्टील लेके नहीं आएंगे, एक नया तरीका हो जाएगा भाई ये क्राइंग ऑब्सिडियन बाहर। लेट्स गो मैन, वी हैव टू गो नाउ। बकवास था ये, इतना बकवास तरीका था ना भाई, मर सकते थे हम लोग। विज़र्ड को मैं पेलने का मन कर रहा है, लाइक लिटरली बोल रहा हूं मैं, मरने वाले थे हम लोग यार। वो क्या सीन है मैं याद रखूंगा इसे हमेशा। अब ऐसा करो भाई, अब हमको चाहिए होंगे यू नो, हां यही मुंह के सामने वो जो हमारा यार पोर्टल है, उस पोर्टल के पास चलते हैं, इसी विलेज के पास है वो पोर्टल, एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेदर के रूफटॉप पे जाना है, पोर्टल को नीचे के लिए लिंक करना है, एंड दैट्स इट, इनको ना भाई ऊपर ही फंसा देंगे ब्रो। सपोज करो आपको लगता है कि लोग बेडरॉक तोड़ पाएंगे? मुझे नेवर भाई, बेडरॉक तोड़ना इज लाइक इम्पॉसिबल ब्रो, बेडरॉक नहीं तोड़ पा। और भाई सोचो होगा लाला उला लाला बेडरॉक के ऊपर रो रहे बेचारे के भैया आपको बाहर निकालो, पर दिक्कत यहाँ पे ना एक और हो सकती है भाई,
पर अब दिक्कत एक और हो सकती है कि अगर ये लोग वहाँ से बाहर निकल गए तो। अरे कैसे निकलेंगे, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है भाई। भाई अगर ये काम कर गया ना, ये ओपी हो जाएगा यार गाइस। हम लोग खुद भी नहीं जा पाएंगे नेदर रूफटॉप पे, क्योंकि नेदर रूफटॉप पूरा का पूरा नेदर रूफटॉप ना जुड़ा होता है एक दूसरे से। बोलो आप मेरे को एक बात बताओ, वो लोग इंटेलिजेंट तो है ना, तो अगर वो गास्ट को ऐसे करके लाए तो। अरे भाई वो लोग से मारना जानते हैं, मैंने आपको चार बार बोल दी ये बात। अनपढ़ लोग है भाई, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो फटाफट चलते हैं। आपका वो पड़े है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्सीडियंस वगैरह या नहीं पड़े? नहीं नहीं मेरे पास है 13 ऑब्सीडियंस। अरे थोड़े बहुत और निकालते हैं ना भाई, रिस्क मैन अभी बहुत मजा आने वाला है सीरियसली। नेदर रूफटॉप पे फंस गए, कितना ओपी हो गया यार लाइक सीरियसली। और मैं तो वो इमेजिन करके अभी तक हंस रहा हूँ, सोचो वो रो रहे हैं। ब्रो कितना ओपी हो गया भाई, हम लोग बहुत रुलाया है इन्होंने हमें। नेदर के रूफटॉप पे रो रहे होंगे बंदे। ओके ऊपर देखो, बेडरॉक आ चुका है, 128 वाला हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ। एंड वहां से हम लोग डायरेक्ट पर्ल मार के ऊपर जा। पर्ल तो पड़ी है ना, मिनिमम दो चाहिए पर्ल्स। अरे पर्ल में बच्चे हैं भाई, आपको लैडर चाहिए क्या? नेक्स्ट लेवल ब्रो। और लैडर बनाओ फटाफट, दबाओ मेरे पास। ओके ये इकलौता बच्चा है हमारा, इनफैक्ट लैडर्स पकड़ाओ मेरे को दो तीन। हाँ जी हाँ जी। एंड आप ऐसा करो, साइन बोर्ड ले लो मुझसे, लैडर मेरे को पकड़ाओ आप, और ये वाले ब्लॉक्स भी ले जाओ। इनफैक्ट मेरे को पर्ल दो, एक पर्ल दो, एक पर्ल अपने पास भी रखना आपने, ठीक है ना ब्रो? अरे बहुत है, पर्ल की कमी नहीं है मेरे पास। अब मेरी बात सुनो, अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी देखो 1, 2 और 3, ठीक है ना? अब ऊपर आओगे, W दबा के रखना, और एज पे बिल्कुल कोने में भाई, मैंने ही बनाया था आपके लिए वो नेदर का ट्रैप। आप ऊपर आ जाओगे, मैंने ही बनाया था आपके लिए नेदर का ट्रैप ब्रो। अच्छा आप ही बनाया था? अरे भाई नेक्स्ट लेवल भाई मेरे, मौज कर दी। ऐसा करते हैं ना, इधर ही किधर इधर ही बना देते, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। रुको मेरे पास ओपी हो जाएगा, बहुत ही ओपी हो जाएगा लाइक लिटरली बोल रहा हूँ मैं। एजेस पे ये लगाना है ताकि हमारे वेस्ट ना हो, 1, 2, 3। एज पे ये लगाना है, 1, 2, 3 एंड दैट्स इट। हो गया फ्लिंट, आपके पास पड़ा है ना फ्लिंट स्टील, हम लोग फंस जाएंगे। नहीं है ब्रो। यार चुप करो, आपने इससे पहले भी लाइटअप किया था, जल्दी डराओ मत। अरे आप भी क्या याद रखोगे, आ जाओ। डरा रहे हो भाई, ऐसे ऐसे नहीं डराना भाई, ये हार्ट अटैक मोमेंट्स होते वाले भाई। खुलने में आ जाए तो मजा आ जाएगा यार, खूब खुलने में आया। यो रुको रुको रुको, ओ माय गॉड। अरे बच के भाई, को टेंशन नहीं भाई, अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये ब्रो, ये एकदम परफेक्ट है। होगा एंड हुला को बस यहाँ पर लेकर आना है ब्रो, अगर ये बिग प्लान हमारा काम कर गया ना, मौज आ जाएगी भाई। बस मार्टी भाई, इस बार हम उनको कहाँ ढूंढने वाले हैं? यार देखो, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने उनको यहाँ पे फंसाने की कोशिश तो करी थी, मेरे को लग रहा है अभी तक हमारा हंट तो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना? मैं ऐसा करता हूँ ना भाई, सुनो आपके पास कुछ पड़े हुए यहाँ पे कुछ लाइक TNT बनाने का सामान, मेरे को ये लो ना, ये लो लो, लो गन पाउडर है। ऐसा करो, कितना गन पाउडर है, ये कम हो सकता है, ये मेरे को ऐसा 9 गन पाउडर काफी है भाई। अरे ये लो सारा माल रखो, आप माल काफी है, बट आप ऐसा करो उनको लूर करने के लिए जाओ, अकेले मरना मत, मेक श्योर करना क्या मरो ना भाई। यार आप मरवा दोगे यार, ट्राई करो मरना मत प्लीज, कुछ भी हो जाए आप उनको लूर करके लाओ, मैं यहाँ पे तैयारी रखता हूँ अपने, तब तक के लिए ठीक है मैं जाता हूँ। सेफ खेलना है ठीक है, जितना हो सके सेफ, जितना मर्जी सेफ खेल सकते हो भाई, खेलो ठीक है ना। ऑलराइट माय बॉयज, यहाँ पर ओवरऑल हमारे 3 TNTs बनेंगे, इतने तो बहुत है भाई, काफी है, इतने मजा आ जाएगा अभी। अब वेट करते ड्रीम बॉय का जब तक ये वापस आएगा, एंड या दैट्स इट, उसके बाद इनको ऊपर होता हुआ देखेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। स्मार्ट भाई जल्दी आओ, माय गॉड लिटरली छोड़े के पास है ये लोग। अरे आपसे पहले तो ये लोग आ रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? मैं बस पूछने वाला हूं, पूछने वाला हूं। शिट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है फ्लिंट एंड स्टील, वो तो आपके पास है। नो वे ब्रो, जिस साइड से आप अंदर आओगे ना उसके बैक साइड पे आ जाओ, मैंने वहां पे TNT लगाया हुआ, आपका काम सिर्फ एक है TNTs को लाइट अप करने का, ठीक है ना? और मेरे को पर्ल फेंकना, जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरे पास पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। माय गॉड अभी तक नहीं दिखे आप, लिटरली बोल रहा हूं मैं, बहुत दूर भगाना पड़ेगा इन बंदों को, क्योंकि ये लोग एकदम से वापस आएंगे। सुनो तैयार रहना आपने एकदम से, मैं इनको थोड़ा सा ये करता हूँ, होगा ला लो। अरे भाई मेरे को टच नहीं कर पा रहा यार, अब समय आ चुका है वापस जाने का, लेट्स गो जल्दी जल्दी, मेरा खाना, मैं मर भी सकता ब्रो, पहुंचने वाला मैं ड्रीम बॉय, जल्दी आप भी तो लाइट अप कर सकते हो ना भाई।
अरे कर दो स्मार्टी भाई, जल्दी टाइम का इशू हो सकता था। ओह माय गॉड, ये फूटा। भाई अभी तक वो फट चुका है जितना मेरे को पता है, और इन लोगों की लग चुकी है। लेट्स गो ब्रो। एक सेकंड रुको भाई, अगर अंदर से बाहर आ गया ना मैं रो जाऊंगा भी, भगवान कसम से। कितने चलाक हो ना, सॉरी आपको यही टूट गया यार, आप कितने चलाक हो ना भाई, मेरे को अंदर अकेला छोड़ के बाहर निकल गया बंदा। अरे भाई एक बात बताओ, टाइमिंग का इशू हो जाता तो लास्ट में आप आ रहे थे, आप भी अंदर फंस जाते फिर, सोचो खुद ही। तब तो मेरे लग जाने थे यार इनके साथ साथ। लेजिट ब्रो, अभी इस वक्त यहाँ पे खड़ा होना सेफ नहीं है, हम लोग को अभी दूर चलना। एक काम करते हैं, पहाड़ी पे चलते हैं, वहाँ से दूर चल के देखेंगे। हाँ अगर बाहर निकल गए तो पेल देंगे, वैसे कोई चांस नहीं बाहर निकलने का भाई, कोई चांस नहीं बाहर निकलने का। बट फिर भी भाई वो भूत है, कुछ भी कर देते हैं वो। यो ड्रीम बॉय, बहुत देर हो गया लिटरली, अब तक बाहर नहीं निकले। लेजिट मैन, ये बंदे रो रहे हैं अभी भाई, बेडरॉक के ऊपर बैठ के। भाई बेडरॉक के ऊपर कोई चांस नहीं है, ये लोग वहां से बाहर निकलेंगे। एंड ये लोग शायद से बेडरॉक को नहीं तोड़ सकते, अदरवाइज तो ये लोग अभी तक ऐसे बाहर आ चुके थे, लाइक कुछ भी कर सकते भाई। अगर बेडरॉक को हम जीत गए ब्रो, ब्रो फाइनली हम लोग जीत गए यार। भाई आपका प्लान काम कर गया मैन, लेट्स गो। मैं तो बड़ा खुश हूँ लाइक सीरियसली। अब ऐसा करते हैं ना, विलेज के अंदर चलते हैं, अपने विजर्ड भैया को बताते हैं, एंड अपने किंग को भी खुशखबरी देते हैं ब्रो। विजर्ड लाला तो खुश हो जाएगा। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने यार होगा लाला एंड हुला लाला को यहां पे कैप्चर तो कर दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में यहां से आगे क्या होता है, बिकॉज तुम लोगों को पता है हिमलैंड्स के अंदर भाई कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब देखते हैं कि भाई किंग हम लोगों से कितना ज्यादा खुश होता है, एंड विजर्ड हमको क्या बोलता है इन दोनों के यहाँ पर हमेशा के लिए परमानेंटली नेदर के रूफटॉप पे कैप्चर करने के लिए। सो गाइस टिल देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता है आप लोगों से ऐसे ही था नेक्स्ट वीडियो में। बाय।